मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी मेहर है जो गुरु जी ने ऐसी सेवा पे लगाया हुआ है। बिना गुरु जी की मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, और हम सबको जोड़ा हुआ है गुरु जी ने। इतने टफ टाइम्स में भी, इतनी मुश्किल की घड़ी में भी हम सब इकट्ठे हैं, हम सब सत्संग में शामिल हैं और गुरु जी के गुण गाने का हमें मौका मिल रहा है, तो हमसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई हो ही नहीं सकता। ये गुरु जी की संगत ही है जो इतनी खुशकिस्मत हो सकती है। गुरु जी ने सारी संगत को बहुत प्यार से जोड़ के रखा हुआ है। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं हम सबको, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, और गुरु जी की आज्ञा लेकर नतमस्तक होकर ये सत्संग हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबने ज्वाइन किया। एंड नीलम आंटी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं हर हफ्ते आपको थैंक यू नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपकी सेवा बिल्कुल बहुत बड़ी है। आप ही माध्यम है जिससे हम सब जुड़ पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, शुक्राना आपका और गुरु जी का। संगत जी, मैं कुछ और सोच के आती हूँ हमेशा। जब भी मैं शुरू करने जाती हूँ, मुझे लगता है कि वो सब कुछ चला जा चुका है, क्योंकि ये मेरा सत्संग तो है ही नहीं, गुरु जी करवाते हैं। तो गुरु जी नहीं चाहते कि जो मैं सोच के आई हूँ वो मैं बोलूँ। मैं इसलिए सोच के आती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं आपके सामने आके मैं भूल ना जाऊं कि मुझे कहना क्या है। लेकिन मैं कुछ और ही डायरेक्शन में जाती हूँ, और इसी से साबित होता है कि जो भी मुंह से निकल रहा है वो प्यारे गुरु जी ही करवा रहे हैं। वो गुरु जी जो आमद करते हैं मैं वही बोल पाती हूँ, और जो सत्संग सोच के आती हूँ वो मैं नहीं बोल पाती अनलेस गुरु जी की आज्ञा हो। ये बात तो तय है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने इतनी बार सत्संग किया है ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो गुरुजी ही करेंगे आमद। जो मैसेज गुरुजी ने पहुंचाना है वो उन्होंने पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है वो गुरुजी जाने। बस ये एक निर्गुण सी एक सेवक है जिसमें कोई गुण नहीं, तुच्छ सी बुद्धि है। और आपको तो पता ही है कि अगर बुद्धि तेज होती तो कितना कुछ हम लोग कर लेते, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं क्योंकि बुद्धि उतनी तेज नहीं है। तो ये जो भी हो रहा है ये सब गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी के हुक्म से ही हो रहा है। संगत जी, इतना तो मैं कह सकती हूँ। दो हफ्ते पहले गुरु जी ने बुलवाया था कि जैसे संगत, गुरु जी ने खुद भी बोला हुआ है इनमें बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी संगत बहुत थोड़ी सी है। तो हम लोग जब संगत है, हम लोग थोड़े से हैं, लेकिन उनमें से और भी कम भक्त हैं। तो गुरु जी ने कहलवाया था कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, और वो है टोटल सरेंडर। जब हम गुरु जी पे सब छोड़ देते हैं, जहां गुरु जी हमें लेके जा रहे हैं हम चुपचाप ब्लाइंडली गुरु जी के पीछे पीछे वहीं जाएं। और भक्ति की पराकाष्ठा तभी सफल होती है जब हमने टोटल सरेंडर तो कर दिया, लेकिन विदाउट एनी रेजिस्टेंस हमने एक्सेप्ट कर लिया और खुशी से एक्सेप्ट किया जो हमें गुरु जी ने दिया, क्योंकि वही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हमने अपने गुरु पे ही ट्रस्ट नहीं किया तो फिर हम अपनी जिंदगी जैसे जी रहे थे वैसे हम जीते चले जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन हम अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, एंड जस्ट इमेजिन, मुझे तो सोच सोच के डर लगता है कि अगर एक आखिरी दिन हो हम में से किसी का, मेरा किसी का, और हमें पता चले कि हमने अपनी सारी की सारी जिंदगी गलत जी है, रॉन्ग नंबर लग गया, तो हम कैसा फील करेंगे। मुझे बस वहीं पे लगता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे गुरुजी मिले। मैं कितनी, मैंने कौन सा, कहां, किस जन्म में एक छोटा सा बीज बोया जो अंकुरित होया और गुरुजी ने अपनी आज्ञा दी अपने से मिलने का। तो ये एक गुरुजी आ गए हैं, टाइम पे आ गए हैं हमें दिखाने के लिए कि हमें हमारा सही रास्ता क्या है। हम तो वैसे भी जिंदगी तो बिता ही रहे थे, जिंदगी तो वैसे भी बीत ही जाएगी, अकॉर्डिंग टू अस हमारी सक्सेसफुल लाइफ होती है ना। लेकिन वो सक्सेसफुल लाइफ और जो अज्ञानता के जो अंधेरे से गुरुजी ने निकाल के ज्ञान के एक उजाले में डाला है,
तब जाके पता चला है कि जिंदगी का पर्पस क्या है, और ऐसे माथा पकड़ लिया मैंने कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे और किस डायरेक्शन में जाना था। सो थैंक यू टू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपकी तो उस्तत हमारे मुंह से निकल नहीं सकती, क्योंकि आई डोंट नो हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल टू गुरुजी। मुझे नहीं पता कि हमारी शक्ति में भी है कि नहीं, हम कैसे ग्रेटफुल रहेंगे गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी ने हमको टाइम पे रास्ता दिखाया। क्योंकि ये जो मानव शरीर मिला है, गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है, गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सब पहले पता ही नहीं था। गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, पहले हफ्ते में हमने डिस्कस किया कि गुरुजी ने जो कहलवाया कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, उसके और उसको कैसे एक्सेप्टेंस करना है, हंसते हंसते करना है, विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट कंप्लेन, और गुरुजी को शुक्राना करना है, क्योंकि शुक्राने में ही हमारी एक्सेप्टेंस है और गुरुजी को पता चलता है कि हम खुश हैं, उनकी रजा में राजी हैं। फिर पिछले हफ्ते गुरुजी ने शेयर करवाया, गुरुजी की जो मैसेज थी कि जो हम सारे एक अपने अपने भाग्य के दायरे में बंधे हुए हैं और भाग्य से बाहर नहीं निकल सकते, उस ईश्वर की बनाई विधि के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। वहां गुरुजी कैसे कितने सारे सत्संग हैं जहां गुरुजी ने लोगों की किस्मत रीराइट करी है। मेरे साथ दो बार ऐसे मैं बोल सकती हूँ, वो तो हर दिन एक सत्संग है। जब जिंदगी है आपके सही रास्ते में चल पड़ी तो हर दिन ही ये सत्संग है। लेकिन एक सबसे बड़ा सत्संग ये है जो हम सबके साथ कॉमन है, सबके साथ होता है, वो मुफ्त में गुरुजी दात देते हैं, और वो है गुरुजी जब हमें सत्संग, सिमरन और सेवा से जोड़ते हैं, और हमें गुरबानी से जोड़ते हैं। जब गुरबानी से जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जिंदगी जीते कैसे हैं। मुझे तो वही पता चला है कि जीते कैसे हैं। एक एक लाइन गुरबानी की जब मैं पढ़ती हूँ, मैं सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि इतना नॉलेज, और हम लोग इससे दूर थे, गुरुजी ने मिलवाया। गुरुजी के तो चरण धो धो के पीना वो भी कम पड़ेगा। तो जब हम गुरबानी से जुड़ते हैं तब हमको पता चलता है कि जो हम माया की तरफ दौड़ रहे थे, भगवान तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम माया को छोड़ के, जब हम माया का जो एक पर्दा है वो हटाते हैं, तभी हम भगवान के पास पहुंच पाते हैं। नहीं तो हमारा सक्सेस का मेजरमेंट क्या था? एक बड़ा घर, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा फैमिली, एक इंटरनेशनल हॉलीडे, ये वो पता नहीं क्या क्या है ना, अच्छा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाए, ये हमारे गोल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर गोल्स, लेकिन एक हद तक ही इन गोल्स को हम परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो असली पर्पस है वो गुरुजी तो कह के गए है ना, हमारा असली पर्पस गुरुजी ने अपने कमांडमेंट्स में कहा है कि पहले जो जानवर है वो तो मर के भी काम आते हैं, उनके चमड़े से बैग बनते हैं, कितनी कितनी पदार्थ बनते हैं, मनुष्य तो मरने के बाद भी बेकार है, जो जीते जी भी हम बेकार ही कर रहे हैं और मरने के बाद भी हम बेकार ही हैं। हमारा एक ही पर्पस है और वो है भगवान से जुड़ना, क्योंकि ये गुरुजी ने नॉलेज दी है कि 84 लाख योनियों के बाद जिस भाग्य से हम नहीं निकल सकते, सबका अपना अपना भाग्य मिलता है, अपनी अपनी योनि मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद एक जीवन मिलता है मनुष्य का, और मनुष्य के जीवन का जब बुद्धि देते हैं भगवान, जब एक सुरत होती है, एक मन होता है, एक सोल होता है, जो एक प्रोग्रेस्ड सोल होता है, हमारा एक ही पर्पस है और वो है भगवान से जुड़ना। अगर हमने ये पर्पस खो दिया, हम फिर योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। और गुरु जी तो कहते ही थे, तुसी ते कीचड़ विच बैठे हो, मैं जिथों देखता तुसी चींटियां वर्गे दिसदे हो, तुसी ते कीचड़ विच हो, तो इस कीचड़ में वापस आना है तो हम जीते जाए जैसे हम जी रहे थे, नहीं तो हम चुपचाप आंखें बंद करके गुरु जी के दिखाए पाथ पे चले, और सिर्फ ये ना सोचे, हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सही मायने में गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी ने बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो कहा है अगर हम उस पर भी अमल ना करें तो हम कैसे संगत रहे, हम कैसे भक्त हैं। तो गुरु जी आप हमको जोड़ के गए हैं, हमको सत्संग
देखे गए हैं जिससे हमारा बहुत बहुत उद्धार होता है। हम साथ संगत से मिलते हैं, पॉजिटिव सोल्स से मिलते हैं और वो ही एक गिफ्ट है, क्योंकि ये कलयुग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड। तो इसलिए जब हम साथ संगत से मिलते हैं जो गुरुजी की गिफ्ट है, तो वो इतनी बड़ी दात है। हम सत्संग जाते हैं, हम गुरबानी सुनते हैं, हमारी क्लेंजिंग होती है, हम सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो इस भ्रम में ना रहे कि वो सेवा कर रहे हैं। ये मुझे गुरुजी ने सिखाया कि सेवा थोड़ी सी कर दी तो अपने को सोचने लग गए कि हमने किसी को खिलाया या हमने किसी को दिया। हमने कुछ नहीं दिया, हम कुछ दे ही नहीं सकते, हम खुद ही अपने नहीं है तो हम कहां से किसी को देंगे। जो भी किसी को देना है, भगवान ने वो राशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हम सिर्फ एक माध्यम है वो राशन या वो पदार्थ या जो भी दान में देना है, हमारे थ्रू भगवान किसी को दिलवा रहा है। गुरुजी ने कहा हुआ है ना, किसी गरीब के लिए खाना अगर रखना है तो पहले निकाल के रखो, बाद में नहीं देने उसको लेफ्ट ओवर्स। तो इन सब बातों के बारे सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये गलतियां हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, नहीं करनी चाहिए हमें। और तो ये गुरबानी से जोड़कर गुरुजी ने एक पूरा का पूरा एक नई दुनिया मेरे लिए खोली है, एक नई दुनिया है। ये तो नया जन्म है, इसी जन्म में एक नया जन्म गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी की तो बस चरण, मैं तो काबिल ही नहीं कि गुरुजी के चरण भी छू पाऊं। गुरुजी के चरण के नीचे जो मिट्टी है बस वही मिल जाए थोड़ी इस जन्म में। भाई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, ये गुरबानी के लाइंस हैं। मतलब अभी तुम्हारी प्राप्ति हुई है एट लास्ट इस मानुख देहोरिया की, इस जन्म की जिसमें तुम मनुष्य हो, सबसे ऊंची जाति, सबसे ऊंची जो एक योनि है मनुष्य की। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, ये हमारी बारी है भगवान से मिलन करने की। हम लोग कितने बेवकूफ हैं, हम लोग क्या क्या सोच के इस जिंदगी को बिता रहे हैं। छोटे छोटे झूठ, मक्कारी, चीटिंग, जेलसी और क्या नहीं करते। प्रॉफिट्स कमाने के लिए हम लोग क्या क्या मिलावट नहीं करते, क्या नहीं करते। कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदगी एक भ्रम है। इट इज अ ड्रामा, इट इज नॉट रियल। द रियल इज वेयर गुरुजी इज। गुरुजी जहां रहते हैं वो रियल है, भगवान रियल है। जहां हमारा इस जन्म को बिताने के बाद जहां हम जाएंगे वो रियल है, ये रियल ही नहीं है। तो जब ये पर्दा आंखों से हट ही गया और जब मैं रोज सोचती हूं कि मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक गुरुजी, कि मुझे ये पता चला कि एटलीस्ट की पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि यही इसको जाने नहीं देना है, इस जिंदगी को बिताने नहीं देना है, तो हम फिर योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर योनि और जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो फिश होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको तो इतना इंटेलेक्ट ही नहीं है कि वो भगवान की को जप सकें, भगवान को याद कर सकें, भगवान पे मेडिटेट कर सकें, भगवान को याद कर सकें। तो ये मानुख जो हमको देह मिला है, हम सब बेकार की चीजें भूलें और अपने सही रास्ते में लग जाएं, इट्स टू लेट। गुरुजी तो ये भी कह के गए हैं कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है, जो सिमरन करेगा, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। अभी सेकेंड वेव काइंड ऑफ थोड़ी सी कम हुई है, फिर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव, पता नहीं कितने वेव्स लगेंगी हमको सिखाने के लिए। जी नहीं, हमें बुरे टाइम का वेट करना ही नहीं है। हमें अब राइट नाउ भगवान से जुड़ना है। और कैसे जुड़ना है, बहुत सिंपल है। कोई इडियोसिंक्रेसीज नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं करने, सिर्फ भगवान को याद करना है, भगवान का नाम लेना है। गुरुजी इतना पावरफुल मंत्र देके गए हैं, वो हमें करना है, वो कुछ टाइम के लिए हमें रोज करना है, और गुरुजी को याद करना है, अपनी गलतियों की माफी मांगनी है। हमने गलतियों की माफी मांगनी है, क्योंकि जब मैं फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब पहले हफ्ते गुरुजी ने बताया कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है,
टोटल सरेंडर। फिर दूसरे हफ्ते गुरुजी ने ये बुलवाया कि अपने जो एक बंधा हुआ हमारा एक भाग्य है उससे बाहर निकलने के लिए गुरबानी से जुड़ो, ताकि आपको सही भाग्य, सही आपके रास्ते लगे, आपका भाग्य चेंज हो, आपका काया कल्प हो। तो गुरुजी ये कहलवा रहे हैं इस हफ्ते कि आपने आपने अपने आपने सिमरन भी शुरू कर दिया, आपने अपने गुरबानी भी सुननी शुरू कर दी, आपने गुरुजी के ऊपर टोटल सरेंडर करने का भी सोचा और कर भी दिया। लेकिन क्या फायदा होगा संगत जी, अगर जो भी हम अच्छे काम किए जा रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं और अच्छे हमारे बैंक बैलेंस आ रहे हैं, बैंक बैलेंस मतलब जो रियल बैंक बैलेंस है जहां पे हमारा बैलेंस गिना जाता है हमारे कर्मों का, तो अगर हमारे बैंक बैलेंस आ रहे हैं, हम लोग कर्म किए जा रहे हैं, हम लोग गुरुजी पे टोटल सरेंडर किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग निष्कर्म नहीं है, कर्म करके भी हम कर्म फिर से कर्मों के चक्रों में पड़ रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, अगर हमारे मटके में अमृत पड़ते जा रहा है लेकिन मटके में इतने छेद हैं कि अमृत निकले भी जा रहा है क्योंकि हम दुष्कर्म करते हैं, तो फिर उससे हमारा ज्यादा उद्धार नहीं हो सकता। तो गुरुजी इस हफ्ते ये कहलवा रहे हैं कि सत्कर्म करने हैं, पहले बंदा बनो। गुरुजी ने ये बोला हुआ है अपने वचन में कि पहले बंदा बनो। उसका मतलब क्या है ये कि पहले अच्छे मनुष्य बनो, और अच्छा मनुष्य गुरुजी तो सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने आपको अच्छा मनुष्य बनने की आपको हिदायत नहीं दी, आपको 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 एडवाइस नहीं दी। गुरुजी ने बिल्कुल बोला हुआ है पहले बंदा बनो, मतलब पहले अच्छे मनुष्य बनो, क्योंकि सत्कर्म हम नहीं करेंगे तो हमारा जो भी अमृत हम कमाते जा रहे हैं वो हमारे छेद से, हमारे जो सोल का जो मटका है उसके छेद से निकलता जाएगा, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो सत्कर्म जब हम सोचते हैं ना, तो मेरी बुद्धि तो इतनी ही काम करती थी कि सत्कर्म मतलब जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे इंद्रियां जो कर्म करती हैं, अच्छा सुनना, हमारे हाथों से अच्छा काम होना, है ना, अच्छा देखना ये। लेकिन नहीं, गुरुजी ने इसका मतलब चेंज किया है मेरे लिए, और शायद ये मैसेज आप सब तक भी पहुंचा रहे हैं। अच्छे कर्म यहां भी हो रहे होते हैं, यहां पे जो थॉट्स हैं, अगर आपने सोचा कि इसको मैं एक थप्पड़ मार देता या मार देती तो ठीक रहता, आपने मारा नहीं क्योंकि वो एक अपराध है, आपने वो अपराध नहीं किया क्योंकि आप ऊपर से आप अच्छे मनुष्य हैं, लेकिन आपने अपने मन में वो अपराध कर दिया तो वो कर्म गिना जाएगा, दैट देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दैट। गुरुजी ने समझाया है कि एक अपराध में और एक पाप करने में क्या फर्क है। पाप इस दुनिया में पकड़ा नहीं जाता, वहां पकड़ा जाता है। तो अगर हम कुछ भी अपने थॉट्स भी अगर हम मैले रख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम साफ हो गए हैं, जी नहीं। थॉट्स अगर गुरु हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे थॉट्स का आंसर करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हम लोग आप ये कह सकते हैं हमारी कलयुग की भाषा में कि हमारे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा है, 24 आवर्स 24/7। ये तो मैंने सीखा है, ये तो पक्की बात है, 24/7 हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि कुर्बानी में भी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तुम कर्म कर रहे हो, आपके सारे कर्म लिखे जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके कर्म लिखे जा रहे हैं, और चित्रगुप्त जी हैं जो आपको सारे अकाउंट्स रख रहे हैं, और धर्मराज जी हैं जो आपकी जजमेंट सुनाते हैं। ये कितने सारे सारे जो धर्म है, सारे सबका निचोड़ आप ले लीजिए, काफी सारे धर्मों में ये लिखा हुआ है, और गुरुजी ने भी तो यही कहा है कि ABC, नो ABC, ABC मुंह से, हाथ से और माइंड से भी नहीं। तो तभी हम टोटल सरेंडर कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, और तभी हम गुरबानी से सही मायने में जुड़कर, सिर्फ जुड़ना काफी नहीं है, जुड़ना मतलब ये नहीं कि आप सुन रहे हैं और यहां से निकाल रहे हैं, उसका कुछ
मतलब नहीं बैठेगा, आपको विचार करना है गुरबानी पे। तभी गुरुजी ने आपको 2 घंटे चुपचाप बिठाया है सत्संग में, आप चुप बैठिए, गुरबानी से आंसर लीजिए और वही गुरबानी आप अपने घर में रोज सुनिए, रोज सत्संग करिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। पाठ करिए, आप जो भी खराब चीजें इस दुनिया में हो रही हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, आप उससे दूर रहेंगे। गुरुजी ने कहा तो है कि जो पाठ करेगा वो बच जाएगा, तो पाठ हमें करना है। आई एम ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, मैं भी वहां तक पहुंची नहीं हूं जहां तक शायद गुरुजी सबको चाहते हैं पहुंचाना, लेकिन गुरुजी ने ये समझाया, मैं तो उसी में खुश हूं। मैं बस, मुझे लगता है कि मैं चल पड़ी हूं, बस गुरुजी मेरे कदम ना रुकवाएं, गुरुजी मुझे आगे बढ़वाएं, एकदम दौड़ लगवाएं उस रास्ते पे दौड़ लगवाएं, मैं बिल्कुल पीछे मुड़ के अब नहीं देखना चाहती। तो अच्छे कर्म रखना बहुत जरूरी है संगत जी, और अच्छे कर्म हमारे यहाँ भी हो रहे होते हैं। हमारे थॉट्स बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बचे, हमारे रिश्तेदार भी नहीं बचे। अगर भगवान ने हमारी पत रखी हुई है, गुरु जी ने हमारी इज्जत रखी हुई है, अगर हमारे थॉट्स एक दूसरे के सामने खुल जाएं, तो सोचिए क्या अनर्थ हो जाएगा। हम लोग कितना बुरा सोचते हैं, हमने अपने फ्रेंड्स के बारे भी नहीं छोड़ा, फैमिली के बारे भी नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों के बारे भी नहीं छोड़ा, हम अंदर से कुछ और, हम दोगले हैं, हम कलयुग के वासी दोगले हैं। तो वहां से हटना है, किसी भी हालत में हटना है, वहां से दूर रहना है। संगत जी आपका अच्छा होगा, आपकी भलाई होगी, शायद गुरुजी इसीलिए ये मैसेज पहुंचवा रहे हैं। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट एंड बी गुड पीपल, गुड पीपल इन ऑल मीन्स। अगर ये जो दुनिया में रह के हमको कमाई करना जरूरी है, नहीं तो हम अपनी फैमिली नहीं पाल पाएंगे, लेकिन वो कमाई भी भगवान की तरफ से है, इसलिए उसमें भी संभल के, नो चीटिंग इन अवर प्रोफेशन, तो संभल के करना है, हर चीज लिमिट में करनी है। जिस भगवान ने सबका किस्मत बांधी हुई है, बस अच्छी तरह सबकी जिंदगी बीत जाए वही ठीक है। हमारा खुद का मकसद ये है कि हमें भगवान के साथ जुड़ना है। गुरुजी ने कहा है, अगर मेरी सारी संगत में से सोचिए गुरुजी ने क्या कहा है, एक भी बंदा अगर भगवान के साथ जुड़ जाता है तो मेरा काम हो गया। गुरुजी महाशिव जी, हमारे भगवान ईश्वर गुरुजी ये कह रहे हैं कलयुग वासी के बारे में। हम लोग बहुत डिफिकल्ट पीपल हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। मुझे कितने साल लगे हैं संगत जी, मैं आपको बोलूं, मैं खुद देखिए मैं कितने साल लगे हैं, लेकिन अगर मुझे तो एक न्यू, जैसे बोलते हैं ना, एक अवेकनिंग हुई है, मैं जागी हूं। मैं शायद सो रही थी, भ्रम में सो रही थी, शायद मेरी आंखें खुली हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आंखें खुली हैं। जितना हो सके आप भी अपनी आंखें खोलिए। आप में से कई तो बहुत पहुंचे हुए होंगे, वो बात नहीं है, जो मेरे जैसे हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं, वो प्लीज अपनी आंखें खोलें, इमीडिएटली स्टार्ट करें भगवान को याद करना। वैसे तो भगवान को प्यार से याद करते हैं, गुरु जी को भी प्यार से सिमरिए, भगवान का नाम लीजिए। जिस भी भगवान के नाम से आपको आदत है, या आप आप उस फैमिली में आए हैं, उस भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो वही है, वहीं तक जानी है सारा जो भी हमारी भक्ति है, जो भी हमारी वंदना, सब कुछ भगवान तक ही पहुंचना है। उसको जिस नाम से भी बुलाइए, गुरबानी में भगवान को अल्लाह बुलाया गया है, राम बुलाया गया है, ईश्वर बुलाया गया है, भगवान बुलाया गया है, प्रभु बुलाया गया है, हरि बुलाया गया है, तो किस नाम से नहीं बुलाया, हर नाम से वो भगवान ही है। तो भगवान का नाम लेना जरूरी है। सिमरन जो गुरुजी ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हम आधी चीज करते हैं जो गुरुजी कहते हैं। हम सत्संग अटेंड कर लेते हैं, हम थोड़ी बहुत अगर सेवा कर सकते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन वो सेवा, याद रखिएगा, आपकी नहीं है, वो सेवा भगवान आपसे करवाते हैं, और भगवान ने आपको ऑलरेडी वो चीज दी होती है और एक्स्ट्रा पैसे दिए होते हैं वो सेवा करने के लिए। तो आपने कुछ नहीं किया, मैं मत लाइएगा सेवा में। गुरुजी ने कहा भी हुआ है कि सेवा ऐसी करें कि दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं हाथ ने सेवा करी है, तो सेवा नहीं ऐसे करनी। और सबसे जरूरी बात सिमरन, जो हम चूक जाते हैं, मैं चूक गई थी,
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन का मतलब क्या है, कैसे करना है, होता क्या है। तो सिमरन का मतलब ये है जब भगवान आपको याद रहे हर बात पे, आप भगवान का हुक्म में शुक्राना करें, दुख आने पे भी शुक्राना करें। दुख आने पे भी इसलिए शुक्राना करें क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप भगवान के उस हुक्म में मंजूरी दे रहे हैं। यू आर एक्सेप्टिंग वॉट एवर गॉड इज गिविंग यू। तो जब आप भगवान के हुक्म में रहते हैं और तभी शुक्राना आपको करना है, और दिल से करना है, क्योंकि दुख सुख तो आएंगे ही, भगवान ने थोड़ी ना दिए हैं, ये तो हम सबकी कमाई है, हमने अपने आप को दिए हैं, तो ये इसमें भगवान की गलती नहीं है। और भगवान को शुक्राना करना है कि थोड़े से दुख आए हैं जिससे हमने भगवान को सिमरा तो सही, लेकिन गुरु जी ने ये मैसेज दी है सत्संग सेवा और सिमरन, ये नहीं कि दुख के लिए वेट करना है। ये तीनों चीजें करने के लिए ये हमें अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है। दिस इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। मैं आपको एक जल्दी से एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जहां पे टोटल सरेंडर जब मैंने नहीं किया तो मैंने कैसे सफर किया था। मैंने भी सीखा है संगत जी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं इंक्लूडिंग मी कि हमें मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से, हमें मनो मंगो ना। लेकिन वो क्या है ना, जैसे हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हमने मांग लिया ऑलरेडी। तो मैं यूके में जब थी, मैंने आपको सुनाया हुआ है मेरे नौकरी का सत्संग कि मैं नौकरी ढूंढ रही थी और गुरुजी ने नहीं दिलवाई। इसलिए नहीं दिलवाई क्योंकि तब तक मैं टोटल सरेंडर कर चुकी थी नई नौकरी के लिए कि मैं नहीं मांगूंगी, अगर आपने देनी है, अगर आपको लगे ठीक है तो यू गिव मी गुरुजी, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी, आप मुझे जहां रखोगे मैं खुश हूं। लेकिन उसके पहले जो मैं नौकरी ऑलरेडी कर रही थी संगत जी, वो नौकरी मैंने मांग के ली थी। वो एक जिसको बोलते हैं बैंक, मेरे घर के पास ही था और मैं बहुत दूर जाती थी नौकरी के लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, वहां पे मैं ऑलरेडी अपना रेज्यूमे भेज चुकी थी, अपना सीवी उस बैंक में, लेकिन मैं क्योंकि मेरी जो जो मेरा जो वीजा का टाइप था डिपेंडेंट वीजा, तो वो वाला बैंक की पॉलिसी ही नहीं थी, वो लोग देखते ही नहीं थे मेरा रेज्यूमे, क्योंकि डिपेंडेंट वीजा वालों को उन्होंने लेना ही नहीं होता था। ठीक है, उन्होंने, मैं दो तीन बार जब मैंने भेजा तो उन्होंने बोला कि हमने देखना ही नहीं आपका रेज्यूमे क्योंकि आपकी वीजा ही हमारे पॉलिसी के अंदर नहीं है। ठीक है, फाइन। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा ये लोग, इनको ये समझते क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, जो भी काम यहाँ चल रहा है मैं, मुझे करना आता है, मैंने इतने साल किया है और ये मेरे घर के भी पास है, मुझे आराम भी हो जाएगा। तो मैं आते जाते वहां से ना, और पिछली नौकरी में वहां से आते जाते मैं गुजरती थी उस बैंक से, मैं फिर जैसे मैं देखती थी मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे यहाँ क्यों नहीं मिल सकती नौकरी, आप तो सब कुछ कर सकते हो, यहाँ दुलवा दो ना, गुरुजी घर के पास है और एग्जैक्टली वही प्रोफाइल है, गुरुजी आपको तो पता ही है, जो मेरा प्रोफाइल रहा है, जिसमें यू नो सपोजिडली मैं एक्सपर्ट अपने आप को बुलाती हूँ। ठीक है, कायाकल्प हुआ सडनली, और जहां पे वो मेरा रेज्यूमे देखते तक नहीं थे, सडनली मेरा रेज्यूमे वहां एक्सेप्ट हो जाता है, मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाती है, मैं तीनों इंटरव्यूज में पास हो जाती हूँ और नौकरी मिल जाती है। मिलनी ही थी, गुरुजी से मांगा हुआ था ना, तो नौकरी मिल गई जहां पे देखते भी नहीं है वो सीवी, जिस किस्म का जो डिपेंडेंट वीजा पे रहते हैं, वहां पे सिर्फ मेरे, उन्होंने सीवी नहीं देखा, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी, नौकरी। और उन्होंने अपने ऊपर कितना बड़ा बर्डन ले लिया, क्योंकि हर साल उनको मैंने वीजा अपना सबमिट करना होता था और वो लोग, उन्होंने अपना रिमाइंडर रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए। मैं ही ऐसी एक कैंडिडेट थी पूरे के पूरे कंपनी में जिनके लिए उन्होंने एक रिमाइंडर रखा हुआ था कि हर साल जून में इससे हमने वीजा मांगना है। तो ठीक है, ये उन्होंने अपने ऊपर इतना बड़ा भार ले लिया, ये तो मानने वाली बात है ही नहीं, लेकिन गुरुजी करवा सकते हैं हर चीज। लेकिन मुझे रियलाइज ये नहीं हुआ संगत जी कि ये नौकरी मैंने मांग के ली थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई उस कंपनी में। मुझे पहले पहले लगा कि शायद कल्चर मैच नहीं कर रहा, ऐसे क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, छोटे से डिसीजन के लिए इतनी मारामारी है यहाँ पे, इतना कोई बात नहीं मानता, कोई इतनी रेजिस्टेंस है, जब मैं करेक्ट बोल रही हूँ सोल्यूशन यही है इसका, मुझे बात ही नहीं मान रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ।
आज मुझे रियलाइज ये नहीं हुआ कि तो होना ही था, क्योंकि मैंने नौकरी मांग के जो ली हुई थी। तो संगत जी, मैंने सोचा गुरुजी ने नौकरी दी है, लेकिन इतनी मैं मतलब मुझे बिल्कुल जॉब सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मैं खुशी नहीं हूं बिल्कुल, मुझे नौकरी चेंज करनी है, मुझे बिल्कुल मुझे मन ही नहीं लग रहा है नौकरी में। तो मैं जितना मर्जी मंत्र जाप कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आपने मांग के लिए हुई थी एंड यू हैड टू सफर, तो गुरुजी ने आपको दे देते हैं गुरुजी, आप जो मर्जी मांगो। लेकिन ये एग्जैक्टली यही तो गुरुजी कह रहे हैं कि मांगो नहीं मनो। गुरुजी ने शायद मुझे कुछ और दिलवाना हो, गुरुजी ने शायद मुझसे कुछ और करवाना था, शायद और भी बढ़िया होता या जो भी होता, ये तो नहीं होता। तो लेकिन मैंने 3 साल वहां सफर किया। एनीवे एट द एंड एवरीथिंग वाज फाइन, फाइनली यू नो थोड़ी सी ठीक ठाक हुई नौकरी वहां पे। मैं एक कोच भी बन गई वहां, मैं ट्यूटोरियल लेती थी वहां पे, मैं कोचिंग लेती थी, तो सब कुछ ठीक ठाक। लास्ट में जाके थोड़ा सा हुआ मेरे नौकरी छोड़ने से कुछ महीने पहले, उसके पहले तो बहुत सफरिंग थी। तो ये है टोटल सरेंडर की जो सीख गुरुजी ने मुझसे आप सब तक पहुंचवाई है माध्यम बना के, क्योंकि जो गलती मैंने की वो गलती कोई ना करे, कोई ना करे। क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि लोग लड़का मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, कोई अगर वो विकलांग पैदा हो जाए, फिर अगर लोग कितना कुछ मांगते हैं, अगर वो उनके लिए ठीक ना रहा, फिर लोगों की दृष्टि कितनी है, हमारी दृष्टि कितनी है। मैं तो बस यही देखती थी कि मेरे घर के पास है और ज्यादा मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, मैं जल्दी आऊंगी जल्दी जाऊंगी, ये सब मैंने देखा। मैंने इससे ज्यादा मेरी दृष्टि ही नहीं थी कि मैं देख पाऊं। तो मैंने मांगा और मैंने सोचा, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने मांगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने रियलाइज करवाया, और वो भी अभी अभी इन दिनों में, पिछले दिनों में, कि ये तो मैंने मांगी थी तभी इतनी सफरिंग हुई थी। मुझे इतने साल समझ में ही नहीं आया कि वो नौकरी मैंने अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मांग ली। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल कि टोटल सरेंडर होता क्या है, हम भ्रम में ना रहे। टोटल सरेंडर मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस। हमें कुछ नहीं मांगना है गुरुजी से, हमें कोशिश करनी है कि अपने सदकर्मों से, अपने अच्छे थॉट्स से, अपने एक सदाचारी जीवन जीकर, गुरबानी से जुड़कर, गुरबानी पे विचार करके, भगवान का नाम लेके, सिमरन करके, सत्संग करके, हम गुरुजी पे टोटल सरेंडर करें, उनका हुक्म एक्सेप्ट करें और उसी दायरे में रहें। लेट अस अलाउ गुरुजी टू लीड द वे, ही विल लीड अस टू ग्लोरी। इतना तो मुझे पता है, वो हमारे इतने प्यारे गुरुजी हैं। सो जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आप सबसे जुड़ा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड होप कोई मैसेज गुरुजी ने आप तक पहुंचाया हो। मेरे बस की बात नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की मर्जी रही तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। जय गुरुजी।